तो आप सभी को राम राम। कैसे आप लोग? तो आप लोगों को तो पता है कि इंडियन मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो डिमांड है काफ़ी तेज़ी बढ़ती जा रही है, और इसी वजह से जो कंपनीज है वो अब रिसर्च में लगी हुई है कि कम से कम बजट के अंदर में अच्छी रेंज प्रोवाइड कराए ताकि उसके सेल और उसका प्रॉफिट बढ़ सके। तो इस रेंज के अंदर एक नया कंपनी निकल के आई जो कि अवीरा। इसने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया और एक क्लेम कर रही है कि इसका जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये 140 किलोमीटर की रेंज देगा आपको सिंगल चार्ज पे। और जिस स्कूटर की बात कर रहा हूँ वह है अवीरा रेट्रोस्टार। और ये कंपनी क्लेम भी कर रही है कि इसने जो स्कूटर निकाला है ये ओला टीवीएस बजाज इन सबको टक्कर देने के लिए निकाला है, क्योंकि इसकी रेंज इतनी अच्छी है और इसका बजट भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कम से कम बजट में, मतलब इनसे तो कम ही है अल्टीमेटली, उस पर सब्सिडी मिलती है स्टेट वाइज। तो भैया अगर आप लोग भी कोई नया सर्च कर रहे थे लेने के लिए और कन्फ्यूज थे कौन सा ले, तो भैया आप इसको कंसिडर कर सकते हो। भैया सारी कंपनी इंडियन है, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं कि आप लोग डर रहे हो कि भैया इंडियन नहीं है। बाकी बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर मैं अवीरा रेट्रोस्टार के स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो इसके अंदर कंपनी ने 3.4 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी दी है, और इस बैटरी पैक के साथ आपको 3000 वाट का पावर जनरेट करने वाली मोटर मिल जाती है। और जो ये मोटर है इलेक्ट्रिक मोटर वो BLDC टेक्नोलॉजी के साथ आती है, और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो बैटरी है वो 3 से 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी, वो भी नॉर्मल चार्जर से। और कंपनी के अकॉर्डिंग ये जो स्कूटर है फुल चार्ज होने पे आपको 140 किलोमीटर की रेंज देगा, और इस स्कूटर की टॉप स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर की है जो कि कंपनी क्लेम करती है। और कंपनी इस स्कूटर के फ्रंट व्हील और रियर व्हील में आपको डिस्क ब्रेक देती है, इसके साथ आपको अलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। और अगर मैं फीचर की बात करूँ अवीरा रेट्रोस्टार की, तो इसके अंदर आपको पुश बटन स्टार्ट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, डिजिटल फ्यूल गेज, 3 राइडिंग मोड, LED हेडलाइट, LED टेल लाइट, टर्न सिग्नल लैम्प और लो बैटरी इंडिकेटर जैसे कई सारे फीचर मिल जाते हैं। और कंपनी ने इसकी जो प्राइस रखी है वो रखी है 1,28,000 रुपये, और इस पर आपको सब्सिडी मिलेगी। और कंपनी ये भी कह रही है कि इसका जो स्कूटर है ये ओला को काफ़ी कड़ी टक्कर देने वाली है और ओला का काफ़ी बुरा हाल करने वाली है। तो अवीरा रेट्रोस्टार भी काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसके अंदर कंपनी काफ़ी अच्छे फीचर प्रोवाइड करा रही है और काफ़ी मॉडर्न फीचर प्रोवाइड करा दिए। तो अगर आप लोग भी कोई नया लेने की प्लानिंग कर रहे थे ओला TVS बजाज एथर इन सबसे हट के, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो कि उसी कॉम्पिटिशन में निकाला है और उसी के बराबर सब कुछ है, मतलब फीचर रेंज सब्सिडी वगैरह सब उसके बराबर ही मिलेगी आपको, उससे कम नहीं मिलेगी, बस एक कंपनी थोड़ी नहीं है। तो भैया अगर आप लोग भी प्लानिंग करें तो भी आप ये कंसिडर कर सकते हो, वरना मैं ज़रूरी नहीं कह रहा कि यही ले लो, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो, क्योंकि लेना अल्टीमेटली आपको है। मैं बस बता रहा हूँ कि आपको चॉइस और भी है, मतलब मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, जो चली आ रही है उनसे नहीं, जो कल्ट चला रहा है ना, मतलब जो नाम बना लिया उन्होंने और इनके जो रेपुटेशन है आग लेने वाली, उससे थोड़ा हट के ये भी आप ट्राई कर सकते हो अगर आप लोग लेना है तो। बाकी अगर आप लोगों को 22 कार से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर्टली वीडियो चाहिए, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम भी DM कर सकते हो, चाहे फॉलो भी कर सकते हो, वरना आपको यहाँ सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको तुरंत अपडेट मिल जाए रात को 9 बजे। बाकी इस वीडियो से भी इतना ही गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी मीटर लगी तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, तो मिलते हैं भाई, टेक केयर।